वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेयरिंग में इजाफे का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने बिजली बहरान पर बरहमी का इजहार करते हुए मई तक लोड शेयरिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म दिया। कहा, आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल का दौरा भी किया, अपनी कैद वाली बैरक में गए, कैदियों की सजा 2 माह कम करने का हुक्म दिया। मुल्क में बिजली का बोहरान संगीन, तभी लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। सनअतकार वक्त पर प्रोडक्शन देने में नाकाम, दर्जियों का काम भी ठप। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली गायब। पंजाब में 8 से 12 घंटे बिजली बंद। शॉर्टफॉल 2,900 मेगावाट, तलब 20,500, पैदावार 17,600 मेगावाट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी का हुक्म। कहा, साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की, बरवक्त ईंधन खरीदना, कारखानों की मुरम्मत की। वज़ीर आज़म अगले हफ्ते सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज हमरा होंगे। शहबाज शरीफ, शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज उमरा भी करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ एहतजाज, 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने धरने का ऐलान। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। ताहाल मुनहरिफ अरकान को डी सीट नहीं किया गया। फारूक हबीब ने कहा, जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तश्वीशनाक हो रहे हैं। जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बन रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट, असद उमर ने वज़ीर आज़म को कुर्सी छोड़ने का मशवरा दे दिया। फारूक हबीब ने बैरूनी मुदाखलत पर अदालती कमीशन का मुतालबा दोहराया। शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर तनकीद की। मिफ्ता इस्माइल के हालिया बयान को पीटीआई लीडर्स ने आड़े हाथों लिया। इमरान नियाज़ी अपनी सियासत की गाड़ी कभी आईन और कभी इदारों से टकरा रहे हैं। 3 हफ्तों से आईनी बहरान है। एहसन इकबाल के वार, कहा, 3 विकटों की बात करते करते साजिश की बात करने लगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अदालतों के अहकाम की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। इमरान साहब, आपका सदर पंजाब में आईन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कालादम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब ने रिपोर्ट सदर आरिफ अलवी को अरसाल कर दी। कहा, वज़ारत आला की वोटिंग का रिकॉर्ड टैम्पर्ड है। डेप्टी स्पीकर ने गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ और जानबदार तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब कराया। वज़ार का इस्तीफा भी मुतनाज़ है, गवर्नर ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुआ। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान के 3 पहलवान हार गए। इनाम बट को क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान की पहलवान ने शिकस्त दी। इनायतुल्ला और मोहम्मद बिलाल को गुज़िश्ता रोज शिकस्त का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।